गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। डेली की डेली आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं हमारे चैनल पर, जो कि आपकी नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम देखिए फाइलम एनिलिडा का डिस्कस करने वाले हैं। एनिलिडा की बात करते हैं तो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मैराइन और फ्रेश वाटर हैं, साथ ही साथ में टेरेस्ट्रियल भी हैं और फ्री लिविंग और पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, फ्री लिविंग हैं और पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं और मेटामेरिकली सिगमेंटेड बॉडी होती है और सीलोमिक एनिमल्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए देखिए, जो एनिलिडा है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जो कि एनलस, एनलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स, यानी कि छोटे छल्ले, छोटे वलय कह सकते हैं, छोटे छल्ले कह सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इनकी जो बॉडी होती है, देयर बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क आउट इनटू सिगमेंट्स एंड मेटामर्स, हैंस द फाइलम नेम एनिलिडा। इनका जो बॉडी होता है उसमें बॉडी की शरीर की सतह पर स्पष्टता, स्पष्ट रूप से खंड और विखंड में बटा होता है। इनका जो शरीर होता है खंड और विखंड में बटा होता है, सिगमेंट्स और मेटामर्स में बटा होता है, इसीलिए इनको हम एनिलिडा कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा का शब्द एनलस से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं कि इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एक्वेटिक एनिलिड्स होते हैं जिनका, जिनको जैसे कि एनेरिज होता है, एक्वेटिक एनिलिड्स होता है, जैसे लेटर अपेंडेजेस जिसको हम पैरापोडिया बोलते हैं, पैरापोडिया लेटर अपेंडेजेस होते हैं, जो कि स्विमिंग में तैरने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर, एक क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम होता है प्रेजेंट, यानी कि क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम पाया जाता है, इसमें बंद पर संचरण तंत्र उपस्थित होता है। ठीक है, नेफ्रिडिया की बात करते हैं तो नेफ्रिडिया होते हैं जो कि हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एस्पिरेशन। जो नेफ्रिडिया हैं, ठीक है, वो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इसमें न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, ठीक है, कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं निकलती हैं, ठीक है, जो कि पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती हैं, यानी कि कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, ठीक है, और कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व, लैटरल नर्व से कनेक्ट होते हैं टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, नरीज जो होती है एक्वेटिक होता है, यह डायोसियस होता है। और अर्थवर्म की बात करते हैं, अर्थवर्म और लीच, तो अर्थवर्म और लीच कैसे होते हैं? अर्थवर्म और लीच मोनोसियस होते हैं। महत्वपूर्ण बात है याद करने योग्य कि जो नरीज होते हैं, नरीज कैसे होते हैं? नरीज होते हैं वो डायोसियस होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और अर्थवर्म लीच की बात करते हैं ये मोनोसियस होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है एनिलिड्स में। चलिए अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हीरोडेनेरिया जिसको बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, नेरीज और फेरेटेमा जिसको अर्थवर्म बोलते हैं। चलिए अच्छी बात है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हीरोडेमा क्या होता है? ब्लड सकिंग लीच। अगर एग्जाम में पूछा जाता है हीरोडेमा क्या होता है, ब्लड सकिंग लीच होता है, जो कि पैरासाइटिक एनिलिड्स है। ठीक है, अर्थवर्म से आप जानते ही हैं, फेरेटेमा पोस्थमा अर्थवर्म होता है, नेरीज, ठीक है, इसमें पैरापोडिया पाए जाते हैं जो कि आपके स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेटर अपेंडिसेस होते हैं नरीज में, जो कि पैरापोडिया जो कि क्या करेंगे? स्विमिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, इसमें सिगमेंटेड और मेटामेरिकली सिगमेंटेड डिवाइडेड बॉडी पाया जाता है, मेटामेरिकली सिगमेंटेड बॉडी पाया जाता है, ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री होती है, और ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, फ्री लिविंग होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एज वेल एज एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, तो आप इसको सभी को एक बार से पूरा
लर्न कर लेंगे इस तरीके से। फाइलम एनिलिडा आपका कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग पहले से जो फ्रेंड्स हमारे पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।